शहर गुलाबी नगर को साफ सुथरा बनाने के लिए कुछ दोस्तों की टीम आज निकली है जयपुर की सड़कों पर। जो साफ सफाई करके चेताना चाह रहे हैं उन लोगों को जो बिल्कुल लापरवाह हैं, सड़कों पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, कुछ मौजूद हैं, उन्हीं लोगों से हम बातचीत करते हैं कि किस तरह की तैयारी की है और कौन कौन लोग उनकी टीम में शामिल है। कैसा ये कॉन्सेप्ट है, किस तरह से आपने तैयारी की, कहाँ कहाँ अभी सफाई कर रहे हैं? अभी तो जैसे आज तो वैशाली नगर का रखा है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है और उसके थ्रू सरकार को फोर्स करना और जो जनता आम आदमी है उसको भी फोर्स करना है कि आप जिस तरह से गंदगी फैलाते हो उसको गंदगी फैलाने से रोकना। तो ये एक कंसेप्ट है और ये प्रोसेस है वो रेगुलर चलेगा। हमारी टीमें आएंगी और धीरे धीरे हम चाहेंगे टीम बढ़े और पब्लिक है वो अपने शहर को साफ रखे। आप इस टीम से जुड़े हैं, किस माध्यम से इस टीम से जुड़े हैं, आज शहर की सफाई में भी आप उतरे हैं? मैं फेसबुक के माध्यम से जुड़ा हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट भेजा था मेरे को, उसमें उनका कोई पेज है उसके थ्रू बताया था कि आज वैशाली नगर सफाई होने वाली है। तो फेसबुक के माध्यम से टीम को जोड़ा जा रहा है, लोगों को सफाई के लिए जोड़ा जा रहा है। आप पेशे से डॉक्टर हैं, लोगों को इस बारे में अवेयर भी करते हैं और आज खुद सड़क पे झाड़ू लेकर उतरे हैं। यस बिल्कुल, क्यों, हमारा शहर है, हमारा घर है, हम साफ़ करेंगे उसको, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है। पाश्चात्य देशों से हम इतना कुछ सीखते हैं, वहाँ से ये सीखने की चीज़ है कि हर आदमी अपने घर को, अपनी गली को, अपने शहर को साफ रखता है। और एक बीज डालना चाहते हैं यहाँ पर, जो भी व्यक्ति यहाँ से निकल रहा है कार में, वो अगर हम जैसे लोगों का देखता है काम करते हुए, तो उसके मन में भी बीज पड़ेगा कि मुझे गंदगी नहीं रोकनी है, और एक फिर वेव चलेगी, सब रोकेंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा काम। सफाई के साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जहाँ स्वच्छता और ईश्वर का सीधा संबंध है और स्वच्छता कहीं ना कहीं जाकर आपके अंतर्मन की नियति को भी निर्धारित करती है। तो गलियों की स्वच्छता है वो हमारी है, इस हार्दिक इच्छा है कि वो दिलों लोगों के दिलों तक पहुँचे और लोगों के दिलों से पहुँच के हुक्मरान के दिमाग तक पहुँचे ताकि वो उनकी नींद जगे। सोयों को जगाना ही इस टीम क्लीन जयपुर का मकसद है और उसी को लेकर ये फेसबुक मित्र आज जयपुर की सड़कों पर उतरे हैं। वैशाली नगर के ही एक गांधी पथ में एक फेसबुक मित्रों की और टोली हमें मिली है जो सुबह सुबह सफाई के लिए निकली है। किस माध्यम से आप लोग जुड़े हैं और जो सफाई अभियान शुरू किया है उसमें किस तरीके से लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक विचार आया फेसबुक के ऊपर, इट वॉज अ थॉट ओनली कि हम लोगों को करना कैसे है और क्या है, क्योंकि पूरा शहर इस समय जो है गंदगी में घिरा हुआ है। हम लोगों ने ये अभियान चालू किया था 14 तारीख से। 14 तारीख को हम लोगों की चार टीम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई थी और हम लोगों ने ऐसे ही पूरी क्लीनिंग करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमने उसके बाद रैकी करी तो वही कचरा दोबारा से आ गया। द रीज़न बिहाइंड कि प्रॉपर जो है डंप स्टेशंस नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और सिटीजन जो हमारे लोग हैं, जो हम ही लोग हैं, वो इतना वो नहीं करते। किस तरीके से लोगों को बोल रहे हैं? हम फेसबुक के माध्यम से, जो कि एक सोशल साइट है, उसमें हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब इस मुहिम में जुड़ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और वो लोग ये चाहते हैं कि हमारा शहर जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, क्यों ना पिंक की तरह एक मुस्कान ले, क्लीन जयपुर की जो मुहिम है वो हम एक लोगों में जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं सफाई के माध्यम से, लोगों को लगे कि काश हम अपनी कॉलोनी को, अपने घर को और आसपास के इलाके को साफ रखेंगे तो कई बीमारियों से हमें निजात मिलेगी, कई तरीके से हमें नगर निगम के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हमने अब तक फेसबुक का यूज़ जो किया है वो लाइक, कमेंट, शेयर, शायरियाँ इन सबसे किया है। हम चाहते हैं कि फेसबुक का जो यूज़ हो वो हमारे जयपुर के लिए हो ताकि जयपुर में स्वस्थ हो, साथ ही हम जयपुर में नई पहल करना चाहते हैं ताकि सब लोग जागें, क्योंकि ये बेवजह की बातें हैं कि सोशल साइट पे आप शेयर और शायरियाँ करते हैं या कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंड्स अगर बनाते हैं तो जयपुर के लिए यूज़ मिले उनको। बिल्कुल, हम जैसे स्टूडेंट्स जब टाइम निकाल सकते हैं इस कामों के लिए, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप टाइम मत निकालिए लेकिन जो प्रॉपर वेस्टेज है उसको एक जगह पर रखिए ताकि बीमारियाँ कम से कम ना फैले और लोगों को जो सिटी है, रोड है, कम से कम साफ सुथरी दिखे। सी, वी बीइंग अ यूथ can request you all Jaipurites and everybody from this nation in India, please, if we people, we youth, he's a 12th year 12th standard guy, I'm a first year guy, he's also a BSc first year guy, can do it, can go for a clean and green city, can clean and green environment given, why you not, let's be a clean green environment giver। जयपुर के इन युवाओं की टीम निकली थी वैशाली नगर को सुबह सुबह साफ करने और हमने भी यहाँ का दौरा करके देखा कि किस तरीके से इन्होंने शहर को साफ किया। अब बारी है आपकी भी, आपकी इन लोगों के साथ जुड़कर इस गुलाबी नगरी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में सहयोग करें। कैमरामैन अमित पारिक के साथ प्रदीप शेखावत, डीजी न्यूज़।